अब आप पा सकते हैं किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स से रिलेटेड डाउट का वीडियो सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से और वो भी बिल्कुल ही मुफ्त में। क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन की फोटो खींचें और मुझे इंस्टाग्राम पे भेजें, मैंने अपनी प्रोफाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। It travels a distance of 15 meter. Find the height of the tower. G is equal to 10 meter per second square लेना है। तो last second में travel जो किया उसने वो है distance 15 meter. तो हमें पता चाहिए कि drop लिखा है मतलब free fall है, ball free fall कर रही है। तो U is equal to 0 हो गया, A is equal to minus 10 हो गया, ठीक है। तो हम वाला फॉर्मूला लगाते हैं लास्ट सेकेंड है तो एस एन इज इक्वल टू जीरो यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, ठीक है। तो हमारे क्या लिखा है 15 मीटर लास्ट सेकेंड में चला है, 15 मीटर इज इक्वल टू माइनस पाँच बचा टू एन माइनस वन या माइनस 15 और के नीचे जा रहा है तो माइनस 15 और माइनस पाँच टू एन माइनस वन फाइव एन जा फाइव थ्री फिफ्टीन तो थ्री इज इक्वल टू टू एन माइनस वन तो टू एन इज इक्वल टू फोर एन इज इक्वल टू टू हो जाएगा। एन इज इक्वल टू टू मतलब टोटल टाइम जो उसका लगा वो था 2 सेकेंड नीचे आने में तो हो जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ थ्री इंटू फोर ये हो जाएगा टू जा टू इजिकल टू माइनस फाइव टू से टेन माइनस 20 मीटर मतलब 20 मीटर की हाइट है इसकी 20 मीटर हाइट टावर की हाइट 20 मीटर है। ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, मैं वेट कर रहा हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो अपने डाउट्स इसी तरीके भेजते रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।